नमस्कार, मैं शिप्रा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन सन 1833 में ऑटो आधुनिक समय में यूनान के पहले सम्राट बने। इसके दो वर्ष पश्चात एथेंस नगर देश की राजधानी बना। सम्राट ऑटो की व्यक्तिगत नीतियों से परेशान होकर वहां की जनता ने सन 1843 में उसके विरुद्ध आंदोलन करके संसदीय परंपरा कायम की। 20 मार्च 1844 को जनतंत्रवादी ग्रीस का पहला संविधान बना। इसमें सम्राट पद की पूर्णता समाप्ति नहीं थी। आज ही के दिन सिंगापुर की खोज सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने 1819 में की। सिंगापुर विश्व के प्रमुख बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यह दक्षिण एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। सिंगापुर यानी सिंहों का पुर, इसे सिंहों का शहर कहा जाता है। सिंगापुर विश्व की नौवीं तथा एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्रियों ने सिंगापुर को आधुनिक चमत्कार की संज्ञा दी है। आज के दिन 1915 में प्रसिद्ध कवि और गीतकार प्रदीप का जन्म हुआ। कवि प्रदीप देशभक्त गीत ऐ मेरे वतन के लोगों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा। लता मंगेशकर द्वारा गाए इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारण किया गया था। कवि प्रदीप ने इस गीत का राजस्व युद्ध विधवा कोष में जमा करने की अपील की थी। आज ही के दिन 1890 में भारत रत्न सम्मानित खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खान तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने खुदाई खिदमतकार नाम के संगठन की स्थापना की। यह संगठन सुर्खपोश के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन सन 1931 में मोतीलाल नेहरू का लखनऊ में निधन हुआ। नेहरू इलाहाबाद के एक मशहूर वकील थे। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक कार्यकर्ताओं में से एक थे। 1928 से लेकर 1929 तक पूरे दो वर्ष तक वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 6 फरवरी दिन बुधवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है बुद्धि विवेक। मेष, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व धानी तथा निषेध रंग हरा व काला। वृष, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 67%। शुभ समय व्यतीत होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग लाल पीला। मिथुन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में होने के योग हैं। शुभ रंग हरा काही धानी तथा निषेध रंग पीला व बसंती। कर्क, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 39%। मानसिक परेशानियां उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा धानी तथा निषेध रंग सफेद व नारंगी। सिंह, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 59%। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल हरा तथा निषेध रंग काला व नीला। कन्या, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हरा काही धानी तथा निषेध रंग पीला व बसंती। तुला, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 76%। अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग पीला व लाल। वृश्चिक, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 57%। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी धानी तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 51%। घरेलू समस्याएं से घिरे रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती धानी तथा निषेध रंग काला जामुनी। मकर, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 74%। शुभ फल प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला तथा निषेध रंग पीला व लाल। कुंभ, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 75%। अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला बसंती। मीन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग धानी।
सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 12:22 से 2:06 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी को 0121-266-688 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे अधिक जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें IMT मीडिया।